दोद विधायक व पूर्व मंत्री परसराम मुरदिया गुरुवार को हादसे का शिकार हो गए। हादसा क्षेत्र के बोसाना क्षेत्र में हुआ, जहां गाड़ी का टायर फटने से वह अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के दौरान दोद प्रधान ओम प्रकाश जीगर व अन्य लोग भी उनके साथ थे, जिन्हें भी चोट आई। घटना के बाद विधायक परसराम मुरदिया को तुरंत जयपुर रेफर कर दिया गया, जबकि प्रधान ओम प्रकाश जीगर को सीकर के एसके अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने भी एसके अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार विधायक परसराम मुरदिया दोद प्रधान ओम प्रकाश जीगर के साथ लोसल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान अचानक गाड़ी का टायर फटने से वह पलट गई। नजदीकी लोगों ने उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला और अस्पताल तक पहुंचाया। गौरतलब है कि परसराम मुरदिया राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष, राज्य मंत्री व दोद के अलावा 5 बार लक्ष्मणगढ़ से भी विधायक रह चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने दोद से चुनाव लड़ा था, जहां से वह फिर से विधायक चुने गए। ना भैया बोलिए बाकी बाकी मार बैठा ना, 5 में गाड़ी भी हो, 5 पलटी खाई, मतलब कांकरेज छिड़न तो अपना 2 तो निकलाने, फिर छिड़ ड्राइवर बजरंगो तो होगा नहीं, अगर वो नीट सिंह हो तो अगर ले रहा है 5 पलटी मैं बड़ा उधर का रखने गेड़ा हाँ पर चट्ठू 2 चौरा को निकल अच्छी दलो सुझा रहा कोई बैठा हाँ सर 2 आगे निकला ना पा जब ग्रेवल सड़क बन रही है कांकराई हाँ लोसल साइड 1.5 किलोमीटर चलता ही घोषणा पर 1 किलोमीटर तो ड्राइवर के पीछे बैठे, मैं बीच बैठे और गिरदारी वहाँ बनमेन बैठे और बैठे आ गए डब्बा कौन क्यों फट खुले तो भी पक गए ना नहीं नीचे गुन पड़ेगा जी मुझे ड्राइवरी अट्टी का मैं